चैनल में हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस मिस्ट और फेस टोनर की बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये टोनर और मिस्ट बहुत ही अच्छे हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये मुझे कितना अच्छा लग रहा है और ये मुझे कैसा लगा। मैं दोनों के बारे में ही बात करूँगी और भी जो टोनर वगैरह आते हैं, मिस्ट वगैरह आते हैं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स सर्कल में और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं, जो व्यूअर्स नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। और बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन ज़रूर हिट करिए। उसके साथ ही आप जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। तो ये फेस मिस्ट है और ये टोनर है। तो ये ग्रीन टी टोनर है और ये है सेदरवुड फेस मिस्ट है ये। और ये अपर लिफ्टिंग के लिए है, जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब स्किन प्रॉब्लम कर रही है, आपकी स्किन लटकी सैगिंग हो रही है या फिर आपकी स्किन पर रिंकल आ रहे हैं, तो उस तरह के लिए ये फेस मिस्ट है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करती हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फेस टोनर की। और ये फेस टोनर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब फेस टोनर बहुत ही तरह के आते हैं। तो ये किस काम आता है मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। टोनर आपके स्किन जब आप फेस को आप वॉश कर लेते हो फेस वॉश के साथ, उसके बाद आप ये टोनर लगा सकते हो। कोई भी टोनर हो, चाहे आप हनी टोनर हो या फिर ग्रीन टी टोनर हो या फिर रोज़ वाटर हो या कुकम्बर वाटर हो, मतलब टोनर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन आपको टोनर अच्छा ही लेना है जो पैराबेन ना हो उसमें और अच्छा हो, मतलब हर्बल प्रोडक्ट में ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है टोनर, आपकी स्किन को फर्म करता है, टाइटन अप बनाता है, आपकी स्किन बहुत ही सूदिंग रहती है, आपकी ओपन पोर्स जितने भी होते हैं वो टोनर से श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, मतलब छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको जब भी आपको फेस वॉश करना है तो आपको टोनर का इस्तेमाल करना है। इससे आप जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपके ओपन पोर्स हैं, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो फेस की जो स्किन होती है उसमें जो छेद होते हैं वही ओपन पोर्स होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है और स्वेटिंग बहुत होती है। तो आप इस टोनर को, कोई भी टोनर आप ले लीजिए, चाहे आप बायोटिक का ले लीजिए, आप प्लम का ले लीजिए, आपको कोई रोज़ वाटर ले लीजिए, या फिर आप बायोटिक की ले लीजिए, गुड वाइब्स की ले लीजिए, बायोटिक की बोल रही हूँ, बायोटिक का तो भी बहुत ही अच्छा है, मैं उसको भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो अभी मैं ले रही हूँ ग्रीन टी टोनर, क्योंकि मैं ग्रीन टी टोनर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ग्लो भी आता है। इस तरह के टोनर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको रोज़ इस्तेमाल कीजिए। आपको फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद आप इसको आराम से इस तरह से आपके कैप में होता है, इसका कैप आप इस तरह ओपन कर लीजिए और आप इसको थोड़ा सा जब आप यूज़ कर रहे हैं, कभी भी जब भी आप कोई टोनर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा ही आपको इस तरह से शेक करना है, उसके बाद आप इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। देखिए फेस पे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि टोनर किस तरह से आपको फेस पर अप्लाई करना है। आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हो टोनर्स को। जैसे आप ये टोनर है तो ये आया है स्प्रे बॉटल में, तो स्प्रे भी कर सकते हैं आप, दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी किसी में स्प्रे नहीं होता है, नॉर्मल बॉटल होती है, तो आप कॉटन पैड पर लेकर आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं। वॉश के बाद आपको फेस वॉश करने के बाद ही टोनर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे ही आप टोनर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस ठीक रहेगा, आपकी स्किन में कितना पीएच लेवल रहना चाहिए वो इससे मेंटेन रहता है, आपकी स्किन में से जितना भी ऑयल
कितना ऑयल आपकी स्किन पर रहना चाहिए वो रहेगा और कितना नहीं होना चाहिए वो इससे कंफर्म होता है, मतलब अच्छा हो जाता है कि आपकी स्किन पर कितना पीएच लेवल होना चाहिए वो इसको इससे पूरा हो जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको फेस पर इस तरह से शेक कर लीजिए और आप इस तरह से इतना दूर रखिए और फेस पर इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मैं इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पर्पल पे आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे और आप और भी टोनर्स देख सकते हो इसमें। गुड वाइब्स में आपको रोज़ वाटर भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे हैं, तो आप उसमें एलोवेरा मिल जाएगा और शायद हनी वाला भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हैं टोनर। तो मुझे अभी मैं ग्रीन टी का यूज़ कर रही हूँ, कुकम्बर वाला भी आपको मिल जाएगा और मैंने कुकम्बर वाला उसका बायोटिक का यूज़ करती हूँ, हनी वाला भी यूज़ किया है बायोटिक का। तो इसी तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये टोनर्स वगैरह और बहुत ही अच्छा होता है ये टोनर। तो चलिए मैं आप दिखाती हूँ आपको मिस्ट। तो ये मैं बता रही हूँ आपको फेस मिस्ट के बारे में, फेस मिस्ट का क्या काम है। फेस मिस्ट भी गुड वाइब्स का है और ये आपको 50 ml बॉटल मिल जाएगी और नेट वेट इसका 50 ml है और ये आपको 150 का इसमें MRP दी हुई है, लेकिन ये 150 का नहीं पड़ेगा आपको, आपको कम का ही मिलेगा, 100 का या 120 का आपको मिल जाएगा, क्योंकि पर्पल पर चलते ही हमेशा ऑफर रहता है। तो आपको इस तरह से मिल जाएंगे, तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका क्या यूज़ है, आपका जो भी pH बैलेंस, जो जैसे आप कहाँ रहते हैं, अगर आप बंद कमरे में हैं, आप AC चला रहे हैं या फिर आप कहीं पर से पॉल्यूशन भरी जगह से आ रहे हैं, तो उसका तभी इसका यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि फेस मिस्ट से यूज़ करने से आपकी जो स्किन है आपकी हाइड्रेशन निकल जाती है, क्योंकि आप 24 घंटे अगर 15 दिन भर आप AC में रहते हो या शाम में रात में भी AC में रहते हैं, तो उसका उपयोग ये कर देगा। तो इसको आप, ये भी आपको फेस मिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत तरीके के हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप इसको फेस से जब आप मेकअप कर चुके हैं तो आप तब इसको यूज़ करिए। आप इसको दिन भर में कितनी बार भी लगा सकते हो, 2 से 3 बार, तो आपका जो मेकअप है वो आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा, आपका मेकअप मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाएगा और आपकी जो भी pH बैलेंस लेवल है और कितना आपकी स्किन पर हाइड्रेशन चाहिए तो वो इससे मिल जाएगा आपको ये मिस्ट से। और ये भी गुड वाइब्स का ही है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दोनों के ही लिंक बाय लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आप बाय कर लीजिए वहाँ से। तो आपको जो पसंद आए, आपको जो मिस्ट अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, टोनर का अलग इस्तेमाल है, आपको ये टोनर आपको हमेशा फेस वॉश के बाद ही इस्तेमाल करना है, मेकअप से पहले इस्तेमाल करना है। और आप मिस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस इन्वायरमेंट में हैं, आप बहुत ज़्यादा AC में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी वाली जगह पर हैं, तो आपको रिफ्रेश करने के लिए आपको मिस्ट का यूज़ करना चाहिए। फेस मिस्ट यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट तो हो जाएगी, हाइड्रेशन जो चला गया है आपकी स्किन से वो इससे वापस आ जाएगा और आपकी स्किन हमेशा यूथफुल और जवा रहेगी। और इससे जो भी आप फेस मिस्ट लेंगे ना, तो मैं दोनों ही चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि आपको दोनों ही चीज़ें हमेशा हर्बल लेनी है, हर्बल प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे, क्योंकि सभी पर जो भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट हैं तो उन पर सभी पर लिखा होता है नो क्रुएल्टी फ्री, नो पैराबिन, नो SLS क्रुएल्टी फ्री भी है, नो सल्फेट है और नो एल्कोहल। तो ये बहुत ही अच्छा है, नो पैराबिन मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं ये, तो आपकी स्किन पर कोई किसी भी तरह के हार्म नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही मस्त हैं, तो आप चेकअप कर सकते हो और दोनों की लिंक तो दे ही दूँगी, लेकिन आप और कोई भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस पर डालिएगा फेस मिस्ट, गुड वाइब्स के फेस मिस्ट, तो उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आप टोनर इस्तेमाल करना चाहते हैं, टोनर लेना चाहते हैं, आप बाय करना चाहते हैं, तो
टोनर के लिए भी आप यही प्रोसेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं ये इसको हैंड पर दिखा देती हूँ आपको, तो इस तरह से आपको करना है। ये भी आपको देख रहा होगा ये, तो ये मुझे बहुत ही, इसकी भी मुझे फ्रेग्रेंस ऐसी लगती है जैसे कि कोई वुड होता है ना, कोई भी वुड होती है उसकी फ्रेग्रेंस इसमें आती है, क्योंकि ये सेदर वुड है। तो ये अपर लिफ्टिंग के काम आता है, जैसे आपकी स्किन बहुत ही सैगिंग हो रही है, ढलक रही है आपकी स्किन लटक रही है, आपकी स्किन पर रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये उसके लिए है। और ये अपर लिफ्टिंग, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है तो इसको अपर लिफ्ट मतलब इस तरह से ऊपर की साइड में करेगा, धीरे धीरे आप इसको यूज़ करते रहिए तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से इससे हो जाएगी। तो आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये दोनों ही पसंद आए, ये आपको फेस वॉश के बाद यूज़ करना है, ये आपको अगर आप बंद कमरे में रहते हैं, अगर आप यूनिट में रहती हैं, अगर आप पॉल्यूशन भरी जगह से आ रहे हैं, आपका हाइड्रेशन निकल गया है, फेस से हाइड्रेशन चला गया है, तब आप इस्तेमाल करेंगे इसको। और इसको आप तो अपने ओपन पोर्स, अगर आपके ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक करना चाहते हैं तो टोनर का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दोनों ही चीज़ें अगर हेल्पफुल लगी हैं तो आपको लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही है आज का वीडियो, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही है। और अगर आपको थोड़ा भी ये हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो व्यूअर्स नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मेरा चैनल रिचा रॉय है, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा मेरा चैनल, मेरे वीडियो को, चैनल को नहीं, चैनल तो आप शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत सोच समझ के, जो भी इसको अगर नहीं पता है, मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है, अगर आप नहीं जानते हो कि टोनर किस इस्तेमाल में लिया जाता है, किस मिस्ट किस चीज़ के लिए है, तो मैंने आपको सही तरीके से आपको बता दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ ही पूछना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं कमेंट का जवाब आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।